मुड़ेगी तो लेफ्ट को करेगा। तो गाइस हेलो गाइस, तो आज हम लगाएंगे ये इसमें DRL जो हमने पहले लगाई हुई थी इधर थी, क्योंकि ये अपनी खुद की गाड़ी है, ये एक्सीडेंट हो गई थी तो उसके चक्कर में लाइट वाइट सब टूट गई थी, तो हमने ये तो आपको दिखाई रखी है पहले पिछली वाली वीडियो में, जो इसकी पुरानी वाली थी वो रहने वाली है। एन इंडिकेटर्स ये गारंटी वाली है, इसे बिना गारंटी के भी आती है, तो ये हम दिखा देते हैं कुछ इस टाइप की रहेगी। तो अभी हम इसको पूरी कंट्रोल करेंगे, तो लाइन पर प्लीज़ बने रहें, तो करते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट। ये देख सकते हैं ये पूरी फिटिंग हो चुकी है जो अपनी DRL थी, ये देख सकते हैं पूरी फिटिंग हो चुकी है एंड और ये फिटिंग हो चुकी है। इसकी जो वायरिंग है वायरिंग हम दिखा देते हैं, ये देख सकते हो ये इंडिकेटर है, इसमें कोई वायर कटिंग नहीं है, ये देख सकते हो ये रहा, इसके अंदर वायर लगी हुई है, ये देख सकते हो इसके अंदर से हुई है जो वायरिंग है इसकी, ये देख सकते हो पूरी अंदर अंदर जा रखी है, ये रही, ये देख सकते हो पूरी इसकी। अभी मैं टाई बेल्ट लगाऊंगा क्योंकि अभी इसमें HID भी लगनी है, जो ये देख सकते हो ये वायरिंग ये आ गई। एंड जो इसकी इग्निशन की वायर है ये देख सकते हो यहाँ से, इसके अंदर से, इसके अंदर से ये निकली आई, ये है इसकी वायर। एंड ये इसको मैंने क्या किया ये देख सकते हो, इस कपलर में ही लगा दिया, कोई वायर कटिंग नहीं है, ये इधर से निकली है। तो ये जो वाइट वाली वायर है इग्निस के अंदर, ये इसकी इग्निशन की है। तो अभी क्या करते हैं हम देख सकते हो, इसमें ये लगा दिया, इसमें कोई वायर कटिंग नहीं हुई है, नहीं कुछ हुआ है, इस सभी कैप को हम लगा देते हैं। उसके बाद मैं आपको इसको जला के दिखा दूँगा जो जलेगी, एक सेकंड में इसको पूरे को पैक कर देता हूँ। ये देख सकते हो लॉक हो चुका है, पहले जो वायर थी मैंने इधर से निकाल रखी थी, अब के मैंने अंदर से वायर निकाली है। अभी एक बार मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ इसका, इसका इग्निशन लगाते हैं, जो इग्निशन के बाद इसकी कुछ लुक आने वाली है, ये देख सकते हो ये जो कुछ MG एक्टर की तरह ये DRL जलेगी, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। एंड अभी मैं इसके इंडिकेटर और जला के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो ये कुछ इस टाइप में होगी, लेफ्ट का देना, ये देखिए, ये देखिए कुछ इस टाइप की लगेगी। अभी मैं पूरा बोनट भी बंद कर देता हूँ, बोनट के बंद करने के बाद आपको दिखा देता हूँ, इंडिकेटर तो अनलॉक करते हैं, अनलॉक पर देख सकते हो पूरा इंडिकेटर जला, ये देख सकते हो लॉक पर एक बार। एंड अभी इसको हम इग्निशन लगाते हैं, इग्निशन लगाने के लिए हम गाड़ी में चाबी लगाएंगे, चाबी लगाने के बाद इग्निशन लग चुका है और जो लाइट है वो देख सकते हो कुछ इस टाइप की जल चुकी है, ये है इसका जो लाइट है, कुछ इस टाइप की लुक आ रही है जैसे कि आपकी, और मैं आपको इसकी रोशनी भी दिखा देता हूँ नॉर्मली जैसे रोशनी होती है, ये देख सकते हो, इससे मैं चाबी ऑफ करता हूँ, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। एंड इसका मैं इंडिकेटर भी एक बार जला के दिखा देता हूँ, जैसे राइट को लेते हैं तो राइट का रनिंग करेगा, मैं इसका 4x4 कर देता हूँ, एंड 4x4 ये देख सकते हो, इंडिकेटर रनिंग करेगा, जब राइट को मुड़ेगी तो राइट को रनिंग करेगा, लेफ्ट को मुड़ेगी तो लेफ्ट को करेगा। तो बस करते हैं वीडियो को समाप्त।